अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज बारी है चैप्टर नंबर 9 की। कल हमने 4 क्वेश्चंस किए थे चैप्टर नंबर 9 के, आज 2 क्वेश्चंस मज़ीद करेंगे। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो हेयर वी स्टार्ट। लाइट ऑफ वेवलेंथ 6 × 10⁻¹⁷ मीटर। स्टूडेंट्स, ये एक लाइट है, उसकी वेवलेंथ दी हुई है 6 × 10⁻¹⁷ मीटर। नॉर्म फॉल्स नॉर्मली ऑन अ डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग विथ 400 लाइन्स पर मिलीमीटर। तो नंबर ऑफ लाइन्स कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ लाइन्स दिया हुआ है 400, और लेंथ ऑफ ग्रेटिंग कितना दिया हुआ है? लेंथ ऑफ ग्रेटिंग दिया हुआ है पर मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करें? इसको 1 × 10⁻³ इस नीचे लिख लेता हूँ मैं इसको, 1 × 10⁻³ मीटर, ये कन्वर्ट हो गया। एट व्हाट एंगल? स्टूडेंट्स, क्या मालूम करना है? एंगल मालूम करना है टू द नॉर्मल आर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रा। ये 3 क्वेश्चन है असल में, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। हम लोग सिर्फ पहला पार्ट करेंगे, क्योंकि पहला पार्ट अगर समझ में आ गया तो बाकी के 2 पार्ट भी समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट ऑर्डर, तो ये हो गया m इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला क्या होता है? डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला होता है d साइन थीटा इज इक्वल्स टू m लेमडा। ठीक है स्टूडेंट्स, m लेमडा, हमें लेमडा भी पता है, हमें m भी पता है, थीटा हमें निकालना है, d नहीं पता। तो इसका मतलब हम पहले d मालूम करेंगे। डी किसे कहते हैं? डी कहते हैं स्टूडेंट्स ग्रेटिंग एलिमेंट को। तो ग्रेटिंग एलिमेंट का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस। तो इसकी जगह वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स, डी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ग्रेटिंग की जगह आएगा 1 × 10⁻³, और उसकी जगह आएगा 400। इसको अब डिवाइड करवाते हैं, 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 400, तो इसका आंसर आ रहा है डी का 2.5 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा आंसर ग्रेटिंग एलिमेंट का। अब हमें निकालना है एंगल, सॉल्यूशन फॉर थीटा। इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लेमडा। तो यहाँ साइन थीटा एज इट इज़ रहा, डी वहाँ जाके हो गया डिवाइड, तो साइन थीटा एज इट इज़, एम की जगह आएगा 1, लेमडा की जगह आएगा 6 × 10⁻¹⁷, डी की जगह आएगा 2.5 × 10⁻¹⁶। 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो, वही आंसर आता है। स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम? अब 6 को 2.5 से डिवाइड करेंगे, 6 / 2.5, तो इसका आंसर आया 2.4। ये −6 से ऊपर आके +6 हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 2.4 × 10⁻¹⁰। अब −1 ख़त्म करना है, तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को पीछे ले जाऊं तो दिस बिकम्स 0.24 −1। तो ये था पहले से, एक मैं पीछे गया हूं तो पावर ऐड होगी एक, ठीक है। −1 + 1 दोनों क्या होगा? दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो खाली क्या रह गया? 0.24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस बिकम साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0.24। हमें निकालना है थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू साइन, वहाँ जाके इन्वर्स हो जाता है 0.24। अब साइन इन्वर्स निकालेंगे हम 0.24 का, तो दिस बिकम्स 13.88 डिग्री। इसका आंसर आया है स्टूडेंट्स, पहले ऑर्डर का आंसर आया 13.8। इसी तरह आप सेकंड ऑर्डर का भी निकालें और थर्ड ऑर्डर का भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमने पहले से ही लिखा हुआ है।
पढ़ते हैं अब इसको। इफ़ आर डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का है। इफ़ आर डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूस अ फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम, तो स्टूडेंट्स ये पहली चीज़ क्या दी हुई है इसमें, एम इज इक्वल्स टू वन, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ऑफ वेव लेंथ इतना मीटर, स्टूडेंट्स वेव लेंथ दी हुई है, 6 × 10⁻¹⁷ मीटर एट एन एंगल ऑफ 20° थीटा दिया हुआ है, 20° फ्रॉम द नॉर्मल। वॉट इज़ द स्पेसिंग एंड ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइन्स पर मिलीमीटर, स्पेसिंग निकालनी है, स्पेसिंग को हम कहते हैं डी, और नंबर ऑफ लाइन्स पर मिलीमीटर, नंबर ऑफ लाइन्स पर मिलीमीटर, ये दो चीज़ें मालूम करनी है। वही फार्मूला यूज़ होगा, पहला फार्मूला यूज़ करेंगे हम डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लेमडा, ठीक है यार, हमें निकालना है डी, डी के साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस बिकम्स एम लेमडा अपॉन साइन थीटा, वैल्यूज पुट कर दें, एम की जगह 1, लेमडा की जगह 6 × 10⁻¹⁷, साइन थीटा की जगह 20°, साइन 20 की वैल्यू हम निकालते हैं, देखते हैं क्या आती है साइन 20 की वैल्यू, साइन 20 की वैल्यू आ रही है 0.342, तो दिस बिकम्स डी इज इक्वल्स टू 0.342, 6 को 0.342 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 17.54 × 10⁻¹⁷, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया डी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर, तो उसके लिए हमें पता है ग्रेटिंग एलिमेंट का फॉर्मूला, डी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर निकालना है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, डी की जगह डी की वैल्यू पुट होगी 17.54 × 10⁻¹⁷, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग की जगह क्या पुट होगा स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग कितनी है, अच्छा स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, इसको मैं दोबारा सही से समझा देता हूँ, हमें जैसा कि पता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग बराबर है 1 मिलीमीटर, ठीक है, और 1 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1 × 10⁻³ मीटर, तो डी निकालने के लिए डी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर, डी की जगह डी की वैल्यू 17.54 × 10⁻¹⁷, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग की जगह आएगा 1 × 10⁻³, और नंबर ऑफ लाइंस की जगह नंबर ऑफ लाइंस एज इट इज़, ये एक्सचेंज हो जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, दिस बिकम्स नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻³, 17.54 × 10⁻¹⁷, इसको डिवाइड करें, 1 को डिवाइड करते हैं 17.54 से, तो इसका आंसर आ रहा है 0.0570 × 7, ऊपर आके प्लस का हो जाएगा 0.0570 × 10⁻⁴, 10⁻⁴ का मतलब होता है 10,000, तो अगर इसको 0.0570 को 10,000 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो आंसर आएगा 570
लाइंस पर मिलीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर का। ये हमने निकाला था स्पेसिंग, ये डी निकाला था, ये हमने निकाले नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। थैंक यू।